स्किन को नरम मुलायम बनाने के लिए मर्द खवातीन मुख्तलिफ कंपनीज के लोशंस और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट से चेहरे की रंगत मान पड़ जाती है। आज मैं आपको कुदरती इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल एक बहुत ही उम्दा नुस्खा बता रही हूँ। इस नुस्खे की स्पेशलिटी ये है कि इसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी स्किन नरम मुलायम और मॉइस्चराइज्ड होगी, साथ ही रंगत भी बहुत गोरी और स्किन ग्लो करेगी। तो फिर आज से ही इस नुस्खे का इस्तेमाल शुरू कर दें। इससे पहले कि मैं आपको उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं जो इस अमेजिंग नुस्खे को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और आपने बादाम का तेल लेना है आधी चाय की चम्मच, अरके गुलाब एक खाने का चम्मच, शहद आपने लेना है एक चाय का चम्मच और नींबू का रस 3 कतरे। तरीका इस्तेमाल ये है कि इन सब अज्जा को मिलाकर एक बोतल में महफूज करके रख लें, रात को सोते वक्त लगा लें, सुबह उठकर स्किन धो लें। अगर रात को नहीं लगा सकते तो दिन में किसी भी वक्त लगा लें और 1 या 2 घंटे बाद स्किन सादा पानी से धो लें, लेकिन इसके कम से कम 3 घंटे तक आप कोई भी साबुन या फेस वॉश यूज ना करें। बादाम का तेल फैटी एसिड से भरपूर इंग्रेडिएंट है जो स्किन को नरम मुलायम और सॉफ्ट बनाता है। अरके गुलाब जल्द पर से गर्द गुबार साफ करता है क्योंकि इसमें कुदरती क्लींजर की खसूसियात पाई जाती है। लीमू के रस में कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट मौजूद होता है जो हमारी जल्द की रंगत निखारने में मदद करता है। शहद स्किन कॉम्प्लेक्शन को ग्लो देता है। इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग और सूथिंग क्वालिटीज मौजूद होती हैं, जो स्किन को नरम और मुलायम बनाकर रंगत निखारने में मददगार साबित होती हैं। मौसम सर्मा में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन तो फट सी जाती है और लाइंस पड़ जाती हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि लोगों को इस तकलीफ के मसले से निजात मिले। सर्दी के खुश्क मौसम में स्किन को खुश्की से बचाने और स्किन को बहुत खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए ये टोटका बेस्ट और बहुत आजमूदा है, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये आज की इंतहा यूजफुल वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच